नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर सियासी घमासान जारी है। अब कांग्रेस ने इस मसले पर मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को विदेशी हस्तियों पर हमले को लेकर लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार से सवाल किया कि सरकार क्यों दंग रह गई जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार को इन विदेशी हस्तियों की आलोचना करने के बजाय प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। इसके अलावा एक के बाद एक तीन ट्वीट करके अधीर रंजन ने रिहाना और ग्रेटा का समर्थन किया है। इन ट्वीट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ नेशनलिस्ट ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड पर हुई बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई तो भी किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन जब रिहाना और ग्रेटा किसान आंदोलन के पक्ष में बोली तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्होंने आगे लिखा कि हम वैश्विक समाज में रह रहे हैं, हमें किसी की भी आलोचना करने से डरने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। किसान जो फसल उगाते हैं उसी को खाकर हम सब बड़े हुए हैं, बेहतर यही होगा, सभी को भारतीय किसानों के साथ एकजुटता को व्यक्त करना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ 18 वर्षीय किशोर पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हाल ही में पावर प्लांट सॉफ्टवेयर पर बनाई हुई एक टूल किट ट्वीट की थी। जब इस टूल किट के बारे में शुरुआती जांच की गई तो पता चला कि इस टूल किट को कनाडा में स्थित एक खालिस्तानी समर्थन संगठन ने तैयार किया है, जिसे ग्रेटा ने साझा किया था। ऐसे में ग्रेटा के खालिस्तानियों के साथ तार जुड़ने की आशंका बढ़ गई है। ग्रेटा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई लोगों में से हैं, जिन्होंने हाल ही में कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।